सरकार को और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से हम अपने काम को और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है वहां ऐसे समाज सुधारकों की जरूरत है, ऐसे पर्यावरणविदों की जरूरत है। तो मैं इसमें राजघाट पे हूँ और आप ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो और करीब 8 बज रहे हैं, रात का समय है और यहाँ पे लोग काफी जुटे हुए हैं। इसके पीछे का वजह आप जान लीजिए, यहाँ पे सोनम वांगचुक भी आए हैं जो लद्दाख में संसाधन और पर्यावरण बचाने को लेकर जिस तरह से देश भर में मुहिम छोड़ रखे हैं, अभी वो गांधी जी की ये राजघाट है और गांधी जी की समाधि यहाँ पे, और वो अंदर गए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी 2 मिनट में हो सकता है वापस आएंगे, तब तक मैं यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि सोनम वांगचुक जी के बुलाने पे आए हैं कि ऐसे सोनम वांगचुक के सपोर्ट करें। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली से ही हूँ, मूलतः रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन मुझे परसों पता चला सोनम वांगचुक जी यहाँ आए हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद आज उन्हें छोड़ा है और आज जो उनकी घटनाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, ऐसे समाज सुधारकों की आज भारत देश में आवश्यकता है। और अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों से अपने आप को असहज महसूस कर रही है तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे प्रख्यात लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की मानसिकता एक घृणित मानसिकता है। समाज सुधार और शिक्षा के बिना देश दुनिया का कुछ भी संभव नहीं है, पर अगर ऐसे समाज सुधारकों के लिए, ऐसे पर्यावरणविदों के लिए अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये एक कोई भी सरकार हो, सरकार के दृष्टिकोण से और देश के दृष्टिकोण से। पर्यावरण पर सबका अधिकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, 140 करोड़ लोगों की वहाँ पर बात होती है क्योंकि वो पर्यावरण से संबंधित होता है। बिल्कुल, दिल्ली की तो जो स्थिति है आप देखिए, प्रदूषण की क्या स्थिति है। अगर ये अपनी बात को लेकर के लद्दाख से निकले हैं और तमाम प्रदेशों के माध्यम से होकर के दिल्ली तक आए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, अगर अपनी बात को उठा रहे हैं देश के लिए, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और इनको तो और भी सरकार को और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से हम अपने काम को और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है वहां ऐसे समाज सुधारकों की जरूरत है, ऐसे पर्यावरणविदों की जरूरत है। एक तरफ पर्यावरण जो विद हैं, जो पर्यावरण की बात करते हैं, उनको डिटेन करके जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सरकार बार बार प्रोत्साहन करती है, तमाम एजेंसियां देश में काम करती हैं, नवयुवक मंगल दल आप देखते होंगे, नेहरू केंद्र है NYK जैसी जो छोटी छोटी संस्था है वो गांव में जाकर वृक्षारोपण केंद्र, वृक्षारोपण का काम करती हैं, साफ सफाई, नशा मुक्त तमाम योजनाएं चलती हैं। लेकिन एक पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ लगा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो स्थिति गड़बड़ हो सकती है, इस वजह से उनको निर्णय लेना पड़ा हो। पर ये तो खैर गवर्नमेंट ही बता सकती है कि क्या पर्यावरणविद से क्या लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी हो सकती है। तमाम परिस्थितियां होती हैं, दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तमाम कारण ऐसे हो सकते हैं कि कहीं पे एकाएक भीड़ बढ़ जाए, कोई घटनाक्रम हो जाए, ऐसा अप्रत्याशित कोई घटना हो जाए, तो इस वजह से हो सकता है गवर्नमेंट या पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले, कानून को देखने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। इन चीज़ों में हम नहीं जाना चाहते, पर जो सोनम वांगचुक जी का काम है वो निश्चित रूप से अच्छा है, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके अगर ये काम किया जाता तो और बढ़िया होता, मेरा ये मानना है। लेकिन आप भीड़ की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, ऐसे में तो पूरे देश को उनसे जुड़ना चाहिए और पर्यावरण के बारे में सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है और हमें लगता है कि अगर वो दिल्ली में आए तो हमें स्वागत करना चाहिए उनका, और ऐसे लोगों का स्वागत होना भी चाहिए वास्तव में, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए काम किया है, वो उनके लिए स्वागत तो बनता ही है और दिल्ली के लोगों को करना चाहिए। दिल्ली के लोग कर रहे हैं, वो क्या मजबूरी रही मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली की तरफ से मैं सोनम वांगचुक जी का दिल्ली में स्वागत करता हूं और वो यहां आए हैं। आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, 2 अक्टूबर है, सत्य हिंसा का मार्ग सिखाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, पूरे देश में हर्षोल्लास का समय है, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जी इस समय राजघाट पर हैं और राजघाट में जो गांधी जी की समाधि है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या समाज को और देश को संदेश देना चाहते हैं?
बिल्कुल, जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, भारत को एक विश्व मानक पर स्थापित करने का प्रयास किया है महात्मा गांधी जी ने, आज वांगचुक जी भी उसी शरण में आए हैं और निश्चित रूप से वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम उनका आभार करते हैं और दिल्ली की तरफ से स्वागत करते हैं। तो देखिए, ये आम नागरिक हैं और ये कह रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। चलिए, दिल्ली से हैं और जिस तरह से सोनम वांगचुक हैं उनके कामों को लेकर काफी प्रभावित हैं और कह रहे हैं कि बार बार जो दिल्ली की आबो हवा है पर्यावरण दूषित हो जाती है, तमाम जो सरकारें हैं सिंपैथियां लूटती हैं कि ये प्रदूषण है ये प्रदूषण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को लेकर काम कर रहा है तो दिल्ली जो शासन प्रशासन है किस तरह से उन्हें जेल के अंदर डालती है। तो आप ये देख सकते हैं, और लोगों से मैं चाहूँगा कि ये तस्वीरें कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए जिस तरह से यहाँ पे युवा साथी जो है वो सोनम वांगचुक से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली के राजघाट का, और ये साफ साफ जो तस्वीर है सामने वो राजघाट। सोचिए, जो पर्यावरण पर काम कर रहा है उसे भी राजनीतिक बनाई जा रही, क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये राजनीतिक कहीं ना कहीं हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।